नमस्ते दोस्तों, ये जो ऊंचे ऊंचे टीलों पे आपने टीन लोगों की चुगिंग, स्मोकिंग और हॉकिंग देखी, जरूर आपको अच्छा ही लगा होगा। और ये हॉकिंग की आवाज़, जो चुगिंग की आवाज़ थी, ये कुछ दिनों में धीरे धीरे बंद होने को भी है, ऐसा भी आपको मालूम है। ये जो लोकोमोटिव थे 1960 के अंदर इंडियन रेलवे के अंदर बदलाव लेके आए थे। इन्होंने भारतीय रेलवे के बड़े भारी भरकम स्टीम लोकोमोटिव को बेड़े को बदलने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। कालांतर में इनको एल्को को भी बदलने के लिए इलेक्ट्रिक शेड के इंजन तैयार है और वो आने वाले विगत 2 वर्षों के अंदर ये लोकोमोटिव से इनको भी बदल दिया जाएगा। और आगे ये जो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ें से आप शायद वंचित हो जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे एल्को डीएल 560 सी सीरीज़ की, जो एल्को ये चल रहा था WDM-3A। 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे में ये शामिल हुए थे।
सन 1960 के दशक में जब शुरुआत में भारतीय रेलवे ने अपने पूरे स्टीम लोकोमोटिव के बेड़े को बदलने के लिए एक विश्वसनीय डीजल वर्क हॉर्स की इनकी आवश्यकता थी, जिसके लिए एल्को डीएल 560C और ईएमडी के SD24 के दोनों इंजन से उन्होंने 40-40 की संख्या में विदेश से अमेरिका से इनको खरीदा गया था और प्रत्येक को इंजनों को अधिक परीक्षण के लिए देखा गया था। भारतीय रेलवे आयात के आधार पर ये नहीं चाहते थे कि हम आयात पर ही डिपेंडेंट रहें और मेक इन इंडिया मिशन के तहत देशों को अपने ही स्वदेश में बनाने की प्रक्रिया को आजमाना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एल्को कंपनी वह भारत के साथ से सहमत हो गई थी और उन्होंने इस पैक्ट पे साइन कर दिए थे, जबकि ईएमडी ने इसके लिए सहमत नहीं हुआ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सहमत नहीं हुआ और यह बाद में आया। इस प्रकार एल्को डीएल 560 को आसान रख रखाव, विश्वसनीयता और सरल संचालन के लिए इंडियन रेलवे के लिए चुन लिया गया था और इसने जब से 1960 से लेकर 1990 तक लगातार बहुत शानदार काम किया, अच्छी विश्वसनीयता इसने अपनी अपने आप में बनाई और ये आज भी वेस्टर्न राजस्थान में अपनी गति, अपनी गुणवत्ता कारण अभी भी पहचाना जा रहा है, अभी भी धुआं दौर चल रहा है और इसी की आज हम बात करेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के माध्यम से अपनी स्वीकृति देना और कमेंट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति जरूर देना। मैं इंतजार करूंगा। मैं आपका दोस्त राकेश, थैंक यू।